जब भारतीय फौज गलवान में चीनी सैनिकों की साजिशों को नाकाम कर रही थी तो देश की राजधानी में एक चीनी दूसरी साजिशों को अंजाम देने में लगा था। यह है चार्ली पैंग उर्फ लुओ सांग। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में इसे दिल्ली से गिरफ्तार किया गया था, लेकिन पूछताछ में हैरान कर देने वाला खुलासा हुआ है कि चार्ली पैंग सिर्फ हवाला कारोबारी नहीं है बल्कि वो चीन सरकार का एक बड़ा और खतरनाक मोहरा है। चार्ली पैंग बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा के बारे में जानकारियां जुटा रहा था। चार्ली पैंग 2400 घंटे मजनू के टीला पर नजर रखता था। मजनू का टीला में रहने वाले लामाओं को पैसे देकर चार्ली पैंग दलाई लामा के बारे में सूचनाएं जुटाता था। लुओ सांग के दफ्तर में काम करने वाले ऑफिस एम्प्लॉयज ने बताया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कि इस तरह से पैसे तैयार किए जाते थे पैकेट में ताकि दलाई लामा के एसोसिएट्स को दिए जाएं ताकि वो उनके बारे में इन्फॉर्मेशन दें। क्यों चाहिए थे लुओ सांग को ये इन्फॉर्मेशन और किसको देनी थी, ये अपने आप में जांच का अब विषय है। जासूसी का जाल बहुत तरीके से बुना गया है, इसके लिए लंबी प्लानिंग की गई, अच्छा खासा समय लिया गया। लुओ सांग अवैध तरीके से नेपाल के रास्ते भारत आया। लुओ सांग ने मणिपुर की लड़की से शादी करके भारतीय पासपोर्ट हासिल किया। लुओ सांग ने एक के बाद एक कई फर्जी पासपोर्ट और फर्जी आधार कार्ड बनाए। मनी एक्सचेंज के कारोबार के नाम पर जासूसी और हवाला का कारोबार करता गया। लुओ सांग के खिलाफ पहले भी पासपोर्ट एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ था। अब एक बार फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लुओ सांग उर्फ चार्ली पैंग के खिलाफ पासपोर्ट एक्ट के तहत केस दर्ज करेगी। लेकिन जिस तरह के खुलासे लुओ सांग ने किए हैं वो बताता है कि जासूसी का ये जाल कितना गहरा बुना हुआ था, जिसके रेशे रेशे में चीन की भयानक साजिश है। आयकर विभाग ने चार्ली के हवाला कारोबार के काले धंधे को डिकोड करना शुरू कर दिया है। शुरुआती जांच में मालूम चला है कि लुओ सांग उर्फ चार्ली पैंग ने दिल्ली के सीए की मदद से 40 बैंक खाते खोले। चार्ली पैंग के अब तक 300 करोड़ के हवाला कारोबार का खुलासा हुआ है। चार्ली ने असल में चीनी शेल कंपनियां बनाई। बड़ी चीनी कंपनियों के जरिए इन शेल कंपनियों को फर्जी खरीद के ऑर्डर जारी किए जाते थे। इसके बाद शेल कंपनियां बोगस बिल जारी करती थीं। इस तरह फर्जी बिक्री दिखाकर पैसा आता था और हवाला कारोबार के जरिए इधर से उधर होता था। बड़ी बात यह भी है कि हवाला कारोबार के लिए सारी बातचीत चीनी ऐप वी चैट के जरिए होती थी। इस काले कारोबार में दिल्ली का एक सीए चार्ली का मददगार था। लुओ सांग क्या करने वाला था और लुओ सांग को लेकर चीन के इरादे क्या थे, ये परतें खुलने में अभी समय लगेगा। मगर इतना जरूर है कि जांच एजेंसियों की गिरफ्त वक्त रहते चार्ली की गर्दन पर कस गई। दिल्ली से अरविंद ओझा और कमलजीत संधू के साथ आज तक ब्यूरो।